अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ असलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं सुपर आटोज़ पर। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, क्या हाल है? ठीक है फारूक भाई, आपके लिए लेकर आए हैं 125 में इलेक्ट्रिक बाइक यूनाइटेड का, जो कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुपर आटोज़ पर आपको मिलेगा। स्क्रीन पर आपका नंबर भी आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो पर्सनली फारूक भाई को कॉल करके इसकी मजीद डिटेल भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक 70 में हमने बनाई थी, वो भी यूनाइटेड इलेक्ट्रिक थी, तो इसमें और उसमें बैटरी का क्या डिफरेंस है और मोटर का क्या मतलब डिफरेंस आता है उसमें? सर इसकी उसकी बैटरी 1500 वाट की है, इसकी 2000 वाट की है। ठीक है, मोटर है जी, ठीक है उसी तरह उसकी बैटरी थोड़ी कम उसकी है वोल्टेज की, इसकी ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है इसकी। इसमें कैपेसिटी हमें कैपेसिटी ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगी इसमें, क्योंकि ये बेसिकली इसकी बॉडी से थोड़ा बेहतर है। इस पर आप दो बंदे आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हैं, आप डीजल पेट्रोल बाइक की तरह सफ़र कर सकते हैं। बाइक करीब से दिखाते हैं जी फारूक भाई, इसको ऑन करें और देखते हैं कि इसके मीटर में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। उस दिन हमने मीटर दिखाया तो था लेकिन डिटेल में बात नहीं की थी। यहाँ पर आपको RPM ऑप्शन मिल जाता है इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद ये पार्किंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है और साथ साथ बैटरी की परसेंटेज देखें, ये बता रहा है कि ये भी 37% ऑन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको जो ऑप्शन मिलती है वो इसकी लाइट्स भी आपको दिखा देते हैं, इंडिकेटर वगैरह भी दिखाते हैं। अच्छा, इसमें आपको LED बल्ब मिलता है जिसमें हाई एंड लो बीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक हो गया। ये हम आपको चेक भी करवा देते हैं, ये देखें येलो लाइट का ऑप्शन एंड साथ ही साथ आपको वाइट लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इंडिकेटर ज़रा ऑन करके दिखाएं, इंडिकेटर आपको बीप वाले मिलते हैं साथ, देखें आपको म्यूज़िक भी आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा। थोड़ा सा आपको लिए चलते हैं रियर लाइट की तरफ, रियर लाइट भी आपको दिखा देते हैं। रियर लाइट्स देखिए, जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक करता है और जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स टायर्स की बात कर लेते हैं, टायर्स आपको देख लें अलॉय रिम्स मिलते हैं इसमें और जो साइज़ है 2.50 का फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है और ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की आपको यहाँ पर सिंगल डिस्प्ले मिलती है। और फारूक भाई मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो अलॉय रिम की ऑप्शन भी आपको मिल रही है सेफ्टी फीचर में और उसके साथ साथ डिस्क ब्रेक की ऑप्शन भी मिल रही है। और यही नहीं कि फ्रंट पर ही डिस्क ब्रेक है, रेयर पर भी डिस्क ब्रेक इन्होंने दी है। असलान भाई ये जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है ना, आप जी इस टाइम कोई भी दुनिया का बाइक ले लें, बल्कि जितने बाइक्स पाकिस्तान में आ रहे हैं विद होंडा के, अगर किसी में डिस्क ब्रेक लगी है तो फ्रंट भी लगी हुई है। बिल्कुल, इस पर दोनों डिस्क ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि मालकान ने आपको पहली वीडियो में बताया था पूरी कोशिश की है कि मैकेनिकल काम इस गाड़ी में ना हो। सही, ठीक है, मैकेनिक के पास जाना ना पड़े, किसी फ्यूल के लिए ना जाना पड़े, किसी जनाब ऑयलिंग के लिए ना जाना पड़े, ट्यूनिंग के लिए ना जाना पड़े, जहाँ इसको चार्ज करें और चलाएँ आप। सही, ठीक है, इसमें किसी किस्म का काम ना निकले। अच्छा, और मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि मतलब मीटर पे क्या असर अंदाज होता है हमारे बिजली के बिल पे, मतलब मंथली हमें क्या बिल इसका आ जाएगा? सर ये आप एक चार्ज पे 100 किलोमीटर ना, एक चार्ज आप मैक्सिमम 1.5 मिनट 2 मिनट में चार्ज हो जाती है। ठीक हो गया, यानी 30 से 40 50 रुपये में वो 60 रुपये कह सकते हैं आप मैक्सिमम उसमें ना। सही, आप इसके अगेंस्ट दो अगर आप 100 किलोमीटर चलाने के लिए 1.5 यूज़ करें पेट्रोल वाला, तो कम से कम वो 2 लीटर पेट्रोल खाएगा जो आज। जैसा कि आप अभी वीडियो के स्टार्ट में मुझे बता रहे थे कि इसमें आपको बैक गियर भी मिलता है, उसका ज़रा हमें फीचर दिखाएं ज़रा, कहाँ से इसको बैक गियर इसका पुट करना पड़ता है? ये इसका ये ऑप्शन इसमें आर वाला, ठीक है, इसको पुश करें तो ये इसको रेस देंगे तो बाइक जो है बाइक अभी ऐसा। ये पार्किंग पे है कि इसको पार्किंग से पहले हटाते हैं, ये आ गया स्पोर्ट्स मोड पे, ठीक है, और ये इसका इको मोड यानी कि ड्यूल मोड में आपको ये ऑप्शन मिलती है। जब आप स्पोर्ट्स पे काफ़ी तेज़ चलेगा, ये इको पे थोड़ा स्लो, मतलब जो बिगेनर हैं जो नए नए मतलब इलेक्ट्रिक पे आते हैं अपने बाइक से, तो उनके लिए ये ऑप्शन उन्होंने दी हुई है और जो थोड़ा एज वाले बंदे हैं उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, अभी ज़रा हमें बैक ज़रा चला कर दिखाएँ इसका, ये भी फ्रंट पर चल रहा है। अब इसका ज़रा बैक गियर लगाएँ, रिवर्स गियर, ये देखें नाज़रीन आप इसको मतलब बैग भी अगर आपने करना है, अगर जो हमारे थोड़े से एजेड हज़रात होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं वो मतलब बैग नहीं कर पाते, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन इन्होंने दी है। और साथ ही साथ देखें कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी आपने इसके ऊपर कोई ट्यूनिंग नहीं करवानी इस बाइक की, ना इसमें कोई इंजन का रोला है, ठीक है, जस्ट आपने इसको चार्ज करना है और चलाना है। और काफ़ी मतलब अच्छा बाइक है। और यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, हाई बीम लो बीम, ठीक है, उसके अलावा इंडिकेटर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसमें और साथ साथ यहाँ पर हॉर्न का ऑप्शन है और ये आर इन्होंने लिखा है यहाँ पर, रिवर्स भी आप इसको लेके जा सकते हैं। ये देखें जब आप प्रेस करना पड़ता है, बिल्कुल प्रेस करके आपको इसको रिवर्स कर सकते हैं और थोड़ी सी रेस देंगे तो ये बाइक जो है वो रिवर्स पर आ जाएगा। अभी आपको चेक करवाते हैं जी इको मोड पर, ज़रा फुल रेस दे के देखते हैं जी कितनी इसकी स्पीड जाती है। इको मोड पर ये अभी 51 को टच कर रहा है, ठीक है, और अगर खड़ा हुआ है बिल्कुल, और अगर हम इसको साथ ही स्पोर्ट्स पर करते हैं तो स्पोर्ट्स पर जो इसकी स्पीड जाती है वो आप देख लें 80 83 80 के आसपास है भाई। फुल चार्ज नहीं है अभी, ठीक है, चार्जिंग जो है वो 37% है अभी इसकी, तो उसके हिसाब से आप देख लें। अच्छा फारूक भाई,
वारंटी का क्या इसका होता है हिसाब का? सिक्स मंथ इसकी वारंटी कंपनी दे रही है बाइक की ना, सही। बाकी लिथियम बैटरी जो है वो जितने भी सोलर का काम करने वाले बहुत इलेक्ट्रीशियन के मामला को समझते हैं, उनको पता है लिथियम बैटरी की लाइफ जो होती है वो 4 से 5 साल होती है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, हम लोग ना सिर्फ फ्यूल को देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। फ्यूल के अलावा आप ये चीज़ देखें कि मंथली आप जब गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं ना, तो 1 to 5 की ट्यूनिंग कराएं जाए, आयलिंग कराएं जाए, ब्रेक शूज छोटे मोटे काम करें, 5,000 रुपया खर्चा आप उसका, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसमें वो नहीं है, सही, ठीक है। अगर आप बाइक को रेगुलर 4 साल इसको चला देते हैं मेरे हिसाब में, तो इसके पैसे पूरे हो जाते हैं आपके, सही, ठीक है ना। फ्यूलिंग है ना इसकी जनाब, वो 5,000 पर मंथ वाला खर्चा है, सही इसकी, ठीक है ना, बार बार मैकेनिक चलने वाला खर्चा है, ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंपनी साथ चार्जर भी प्रोवाइड करती है, जो इसमें चार्ज होता है या चार्जर मिलता है साथ, मिलेगा साथ, ठीक हो गया। अभी आपको मोटर का, इसका जो पीछे आपको मोटर मिलती है उसका मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और रेयर टायर के साइज़ की भी बात कर लेता हूँ। 3.00 का आपको रेयर टायर साइज़ मिल जाता है, 17 इंचेस के अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, और मोटर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो मॉडल नंबर है, क्योंकि काफ़ी मतलब लोग कह रहे थे कि यार BLDC मोटर है, तो वही मोटर है इसमें, ये इसका सारा मॉडल नंबर वगैरह सारा लिखा हुआ है। और यूनाइटेड वालों ने जितनी क्वालिटी मतलब चाहिए, मतलब इसमें बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश की, वो इन्होंने देने की कोशिश की है, ठीक है। और अभी साइड कवर्स भी इसके खोलते हैं जी, ये इसके साथ एक बैग दिया जाता है जिसमें जनाब ये आपको इसका एक चार्जर मिलेगा एक अदद, सही, ठीक है। और ये बैग जो है साइड पे इसके फिट हो जाता है, और ज़रा सीधा करके दिखाएं इसको। अच्छा, ये इसके सारे लिखे हुए क्वेश्चन वगैरह, और मैंने आज तक मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स की वीडियोस बनाई है ना, मुझे इस तरह का चार्जर नहीं उसमें मिला फारूक भाई जी। कंपनी वाकई सर, ये इंपोर्टेड चीज़ है, लोकल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड कंपनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये ब्रांड है, ठीक है, ये लोकल नहीं है कि जनाब इसने आज बनाई है गाड़ी और कल जनाब ये मार्केट से आउट हो जाएंगे, सही। ये पिछले 20-25 साल से मार्केट में रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और पाकिस्तान की लार्जेस्ट ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड में होंडा के बाद सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक इनकी है, सही, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम लेती है एक चार्ज होने में, मतलब फुल चार्ज होने में? एक चार्ज तकरीबन 3.5-4 घंटे लेते हैं, एक चार्ज 3.5-4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और 100 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं, और दो बंदे इजीली बैठ के मतलब। अगर सर आपने स्पीड खुद देखी है अभी मीटर में चार्ज करके, स्पीड आप बताइए कि अभी बिल्कुल ये 37 बैटरी में 80 प्लस की स्पीड दे रहा है आपको, बिल्कुल। तो जो लोग 120 पर जाना चाहें तो 100% चार्जिंग में जा भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनफ स्पीड है शहर के अंदर, सही। अच्छा, अभी जितनी ये चार्ज है मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर की एवरेज देगी अभी भी इतने चार्जिंग पे, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, ये कंपार्टमेंट जिन्होंने बनाए हैं ये टोटल मेटल के हैं, ये देखें, और ये इन्होंने इसलिए इसमें बैटरी को इन्होंने जो है ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ये चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा, ना कोई किक है ना कोई सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है, उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि यार हमारे से किक नहीं मारी जाती थी बाइक की, या हम मतलब जो हमारे जो मजदूर अफराद हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बेहतरीन चीज़ उन्होंने ये यूनाइटेड वालों ने बना दी है, कि जस्ट आपने एक बटन पुश करना है और रेस देनी है, और आपको उसमें जो है ना इजीली आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकेंगे। ये कुछ मॉडल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है L6096 कुछ इसके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं फारूक भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? नॉर्मल बाइक की तरह, मतलब उतनी ही चार्जेस लगते हैं, मतलब 1 to 5 में ये ठीक, मतलब थोड़ा बता दें कि कितने चार्जेस रजिस्ट्रेशन पे क्या चार्जेस आ जाते हैं इसके? ग्राउंड बोर्ड अगर कस्टमर खुद लगवाए तो मेरे ख्याल में 6,500 रुपये इसका लग जाता है, 6,500 रुपये ठीक है। अगर डीलर के लिए लगवाएंगे तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट। कंपनी पेट्रोल वाला भी बाइक बना रही है या उसको डिसकंटिन्यू कर देगी? जी, वो अपनी जगह पर चल रहा है, ये अपनी जगह पर है। पेट्रोल वाला बाइक भी इसका सेम इसी की तरह आ रहा है, उसमें इंजन लगा हुआ है, सही, और वो भी सेम होंडा की कॉपी है वो, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि जिस तरह हम नॉर्मल बाइक पेट्रोल वाला चलाते हैं रोड पे, अचानक बारिश हो जाती है, क्या ये भी बारिश में हम इजीली चला सकते हैं? इसमें कोई पानी जाने का कोई खतरा तो नहीं है? इसमें पानी जाने का कोई खतरा नहीं है, जिस टाइम तक आप किसी फुली पानी वाली जगह पे इसको भिगो नहीं देते, सही, ठीक है। बाकी बारिश से या नॉर्मल चीज़ से नॉर्मल से कोई नहीं, मतलब वॉश वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो बाकी आपको फ्रेंड्स साइड कवर भी खोल के चेक करवाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और कौन से बटन्स जो हैं वो इसके अंदर इन्होंने हाइड किए होते हैं। ये हम इसको साइड कवर इसका खोलते हैं अभी, और देखते हैं कि अंदर कितनी फिनिशिंग है। बाइक से तो माशाल्लाह बाइक काफ़ी अच्छा फिनिशिंग में है, और अंदर से भी ज़रा देख लेते हैं कि वायरिंग का क्या ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ है। 2000 वॉट की आपको मोटर मिल जाती है इसमें, और इन्होंने ऑप्शन जो दिया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बुलेट के नाम से इन्होंने इसको बनाया है यूनाइटेड वालों ने। बुलेट मॉडल है ये, और ये साइड कवर इन्होंने खोल दिया है, और अंदर देखें मतलब कोई इतना वायरिंग का झंझट नहीं है, ठीक है। ये कुछ कैपेसिटर इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये ऑटो आपका जो अगर खुदा ना खास्ता कोई वायरिंग में कोई इशू आता है कुछ होता है या, तो ये अपने आप ट्रिप कर जाता है, ठीक है।
अदरवाइज़ अगर आपने कहीं बाइक ये खड़ा करना है तो ये लॉक सिस्टम भी है किसका, ऐसा नहीं सिस्टम दिया कि यहाँ से आप लॉक करें और आराम से अपना टापा जो है ना साइड कवर उसको बंद करें और यहाँ से आप जा सकते हैं इजीली, इसको बंद कर सकते हैं। वैसे तो आप वायर लॉक भी यूज़ करें क्योंकि 125 आजकल फर्क कोई छोड़ता कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इसको ये मतलब समझेगा कि पता नहीं पेट्रोल वाला खड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन जी जी ये जहरी बात है, शोरों से हिफाजत करना तो मौजूदा टाइम पर जितनी महंगाई हो चुकी है वो तो लाजमी चीज़ है, बिल्कुल, तो लॉक वगैरह इसका एहतियात तो बहुत लाजमी चीज़ है, चीज़ है बिल्कुल। तो अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, बाइक आपने देख लिया पूरा, और प्राइस पर जाने से पहले वही हम जो रिमांड रिव्यू लेते होते हैं इसका, हम इसे सस्पेंशन भी आपको चेक करवाएंगे, फ्रंट के भी काफ़ी अच्छे हैं सस्पेंशन, उसके अलावा रेयर के। फरूख भाई ज़रा मैं कवर उतारता हूँ ये एक मिनट, ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा क्लियर हम दिखाते हैं, जो क्वालिटी है वो भी आपको ज़रा चेक करवा देते हैं जी, ज़रा आप चेक करवाएं, गुड हो गया, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी प्राइस के बारे में जी, फरूख भाई इसकी प्राइस क्या है और क्या इसमें हमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी मिलते हैं? सर इंस्टॉलमेंट प्लान्स ये हैं कि ये पिंडी इस्लामाबाद के लोकल कस्टमर के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाएंगे इसके, सही, और अगर दूसरे शहर से कोई लेना चाहे इंस्टॉलमेंट पे तो उसका तरीकाकार लास्ट वीडियो में बताया था कि वो पिंडी इस्लामाबाद से लोकल अपने रिलेटिव कोई दोस्त वगैरह उनके नाम से अपने दिलवा के खुद अपने लिए यूज़ में रख सकते हैं बाइक, सही। और प्राइस इसकी क्या कंपनी ऑफर कर रही है? इसकी प्राइस 295 है, सही, लेकिन ये आपके चैनल की वजह से हम 290 तक इसको हम फाइनल कर देते हैं। 295 प्राइस है और 290 तक, मतलब 5000 रुपये का डिस्काउंट हमें पीके बाइक से, आपने आके पीके बाइक से बताना है कि ये वीडियो हमने पीके बाइक पे देखी है तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। थोड़ा सा बता दें कि प्लान्स क्या निकालेंगे आप पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए, क्या डाउन पेमेंट कितनी होगी? 50% एडवांस होता है उसमें, सही, और बकाया 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है मैक्सिमम 12 महीने के लिए, माइनर सा मार्जिन वो कंपनी ऐड करती है, सही, 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है। तो बस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, हम इसका आपके लिए बहुत जल्दी एक राइड टेस्ट वगैरह भी आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम फरूख भाई से कहेंगे कि एक बाइक हमें भी दें ज़रा चेक करने के लिए कि एवरेज वगैरह क्या निकल के आती है, रोड पर इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आएंगे सुपर ऑटोज़ की तरफ से आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो बस लास्ट में आपको असलान है मतलब फरूख भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त साथ के, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।